नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है एसएससी की तरफ से रिगार्डिंग द डेट ऑफ स्क्रीन टेस्ट ऑफ एसएससी सीजी 2019। राइट, आपका रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और पैन इंडिया बेसिस पे ये स्क्रीन टेस्ट होने वाला है सीजी 2019 का। तो ये कब होगा? 15 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021, यानी 15 और 16 पे 2 दिन में पूरा निपटा देंगे, जैसे 2018 में हुआ था। ठीक है, अब 2 महीने हैं आपके पास, आज 16 तारीख है। राइट, 2 महीने में पूरी तैयारी की जा सकती जिसको टाइपिंग नहीं आता। टाइपिंग कैसे सीखनी है, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही साथ एक सीबीटी होगा, तो मैक्सिमम लोग जो जाएंगे वो सीबीटी दे रहेंगे क्योंकि उनका लिस्ट 3 में नाम रहता है। तो एक होगा टाइपिंग, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आती है। एक होता है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मॉड्यूल, और एक होता है एक्सेल का मॉड्यूल। तो ये दोनों चीज अगर थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो 10 से 12 दिन में सीखी जा सकती है, और टाइपिंग 2 महीने है, सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर मैं सीजीएल 2018 की बात करें तो सीजीएल 2018 का स्किल टेस्ट हुआ था दिसंबर में, और फाइनल रिजल्ट आया था 1 अप्रैल को, लगभग 3.5 महीने बाद। तो आप इसको भी अनुमान लगा सकते हैं कि 3.5 महीने बाद, अभी सितंबर में होगा, दिसंबर एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आप मान सकते हैं कि एसएससी अपना फाइनल रिजल्ट देगा। उसके बाद ज्वाइनिंग करने में पता ही है टाइमिंग कितना लगता है। एक्साइज इंस्पेक्टर में 7 से 8 महीना है, बाकी सीएसएस में 3 महीने, एमई की 2 महीने के अंदर। तो इस प्रकार से टाइमलाइन बनी रहती, तो आप उसके हिसाब से आप अपने लाइफ में डिसीजन लो। आपकी ये भी आइडिया लग गया होगा कि कितनी रैंक आने वाली है, तो उस हिसाब से डिसीजन लो। अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 महीने में ये स्किल टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से एक नोटिस था, यही बताना था।